तो आज दोस्तों मैं थर्ड टाइम तीसरी बार जो है हार्वेस्ट करने जा रही हूँ हल्दी को। और ये दिखा दूँ आपको मैं, ये देखिए ये हल्दी वही है जिसको मैंने जून में हो रहे हैं 5, ये क्या नवंबर ख़त्म होने वाला है। तो ये देखिए आप, गत्ते का डिब्बा है ये देखिए। अब इसको मैं पूरा निकालती हूँ, इधर से लेके आती हूँ बाहर, क्योंकि साइड में बिल्कुल जब से लगाया है तब से यहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मुझे थोड़ा आगे लेके आना हो, क्योंकि ये काफ़ी इसमें मुझे लग रहा है हल्दी हो गई और इसमें वजन भी अच्छा खासा हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा धूप में लाती हूँ। तो ये देखिए इसको मैं ले आई हूँ इधर, और आपको दिखा दूँ ठीक से पूरा, क्योंकि मुझसे कई लोग कहते हैं कि ये फट जाता होगा, तो ऐसा नहीं है, फटता नहीं है। साइड में अगर आप दीवार के रख देना, एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ कि हम इसको किस तरीके से इसको तैयार करें। ये मैं इसको पहले निकालती हूँ। अब ये ना इतने सारे हमारे घर में आते हैं ना, क्योंकि 8 कितना नवंबर से 5-6 महीने तो हो ही गए, तो ये तो फटेगा ही है ना। इसको बहुत ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है ये देखिए। और भी इसी तरीके के कार्डबोर्ड बॉक्सेस में मैंने ये हरा वाला प्याज, स्प्रिंग ऑनियन लगाया, इधर ये कॉस्मस के सीड्स भी, कॉस्मस भी आने वाला है। अब मैं एक काम कर रही हूँ, इसको जो है ना फाड़ना पड़ेगा मुझे, बहुत ज़्यादा फंस गया है लग रहा है, नहीं निकलेगा ऐसे है ना। इसको फाड़ती हूँ क्योंकि अब इसका कोई यूज़ है नहीं। ठीक है, ये देखिए इसको तो मैंने गत्ते को अलग कर दिया है, और चूँकि गत्ता जो है ख़राब ना हो तो इसलिए ये प्लास्टिक की शीट्स मैंने लगाई थी, ये सब देखिए। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा है, मुझे धीरे धीरे करके सब निकालनी होगी, और बहुत ज़रूरी भी था इसको हार्वेस्ट करना, काफ़ी सारी हो गई हैं ये। पहले भी मैं, ये तीसरी बार मैंने आपको बताया ना, मैं तीसरी बार इसको कर रही हूँ, अभी तो पहले भी बहुत बार कर चुकी हूँ, 2 बार कर चुकी हूँ। चलिए, अगर आपको ग्रो करना है तो आजकल आप सब्जी मंडी जाइए, आपको सब्जी मंडी में कच्ची हल्दी मिल जाएगी, और अभी भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे ग्रो करने का टाइम होता है मई जून का होता है, लेकिन अभी मिल जाएगी आपको इसके हल्दी कच्ची। इसको ना मैं निकालती हूँ धीरे धीरे करके, ये देखिए देख रहे हैं, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, बहुत सारी हो गई है। और मैं तो इसको, आप चाहें तो धो करके सुखा के खूब अच्छे तरीके से इसका छिलका हटा के और ड्राई करके फिर पीस के अपना यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो इसको तो मैं तो अपने घर में उसमें दूध में ही डाल के मैं तो अपने घर में देती हूँ सबको, बहुत हेल्दी रहती है ये। और मैं बहुत दिखा तो दूँ आपको थोड़ा सा, रे बहुत हो गई है ये देखिए, देख रहे हैं कितनी निकल आई है ये देखिए, और कितना छोटा सा, बहुत बड़ा एक्चुअल बताऊं आपको, ये बहुत ग्रो हो रही है, ऐसा नहीं है ये अभी और ग्रो होती रहती, बहुत होती, लेकिन बस इतना था कि इसके पास जगह नहीं बची थी। ये देखिए है ही कितना सा कार्टून, इसका ये जो कार्टून का साइज़ आपको इधर से दिखा रहा है ना, ये देखिए इसका साइज़ ज़्यादा नहीं है, ये कितना होगा, 14 इंच से ज़्यादा नहीं होगा मुझे लगता है, ये यहाँ 14 इंच से, और इधर ये पूरा है भी नहीं, रहता मिला रही है। ठीक है, तो अभी तो निकल ही रही है, बहुत निकल रही है ये देखिए, ये देखते हैं। और दो कितनी कम गांठें मैंने ग्रो की थी, मैं उसका लिंक दे दूंगी, क्योंकि इस समय तो, और इसके पहले भी मैंने वो किया था ना, हार्वेस्ट किया था, तो उसको मैंने फिर से ग्रो कर दिया, ये देखिए ये देख रहे हैं, ये देखिए कितनी हल्दी, बहुत है, एक छोटा सा कार्टून है, क्या लगा कुछ नहीं, अब कार्टून आर्टून कोई ऐसा मुझे, अब मैं इसी तरीके से फिर से और ग्रो कर दूंगी, जैसे आप होता हूँ, जैसे कोई सा भी प्लांट, कोई सा भी ऐसे ये एक दो रूट लेके इसको फिर से ग्रो कर दूंगी।
ये देखिए निकलती जा रही है, ऐसे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतने सारे इसमें इसके जो राइजोम है ना, इसके राइजोम्स ही होते हैं ये। तो ये देख रहे नीचे, देखिए ये सब बहुत अभी होती, पर वही बात प्रॉब्लम ये थी कि जगह कम पड़ रही थी। ये देखिए अब मैं क्या करती हूँ, सबको धो के फिर आपको दिखाती हूँ। और बस क्या करूँगी ना कि इसके सारा तो एकदम से यूज़ नहीं कर लूँगी, इतना सारा यूज़ तो मैं नहीं करूँगी और ना मैं ड्राई करूँगी, मैं कच्ची ही यूज़ करती हूँ। तो इसको क्या करूँगी, जो जो ये ऊपर के पत्ते हैं ना, इनको हटा के और फिर से दोबारा से इसको मैं ग्रो कर दूँगी। अगर आपको जानना हो कि येलो मिल्क मैं कैसे बनाती हूँ, है ना, और या फिर ये जानना हो कि इसको कैसे ग्रो करना है, तो आप मुझे बता देना लिंक में। फिर से मैं अभी तो कुछ नहीं ऐसा बता रही हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा तो मैं फिर वीडियो बना दूँगी। और इसको मैंने कैसे ग्रो किया उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, ठीक है। चलिए अब इसकी मैं मिट्टी हटाती हूँ, पत्ते हटा दिए मैंने सारे, क्योंकि अब इस समय इनकी ग्रोथ अभी नहीं होगी। देखिए ये देखिए, ये वाले जो डार्क कलर के दिख रहे हैं ना, इसको मैंने ग्रो किया था, इससे मतलब लगाया था, और ये इतनी सारी मुझे मिल गई अभी, मैं बहुत है गई है ये। तो एक दो तीन छोटी छोटी गांठें लगाई थी, ये देखिए ऐसे डार्क कलर की है, ये आपको दिखा देती हूँ, ये वाली, ये जो ऐसी है, तो इससे बहुत सारी मिल गई। चलिए दोस्तों मिलती हूँ मैं, और अपने गार्डन का आपको एक छोटा सा चक्कर नहीं लगवा रही हूँ अब मैं, अपने ये सब यहाँ पे इतना फैला हुआ है उसको मैं समेटती हूँ, ठीक है, धन्यवाद।